घर में घुसकर किशोरी से बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रामपुर में पड़ोसी ने घर में घुसकर नाबालिग से किया बलात्कार, वारदात के समय किशोरी घर में अकेली थी, परिजन गांव में ही रिश्तेदारी में गए हुए थे। वारदात को अंजाम देकर आरोपी अपने साथियों के साथ फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस मामले में सख्त कार्यवाही की बात कर रही है। अंदर बैठक मेरे को ले गया था, उसने मेरे साथ बलात्कार किया और दो लड़के बाहर खड़े थे। कौन थे? किसी के अपने भाई। जिसने गलत हरकत करी उसका क्या नाम है? उसका नाम अमीर है। बाकी लोग? उनका नाम नहीं। फिर क्या हुआ? फिर मेरे घर वाले सब बाहर थे, मैंने बहुत चिल्लाने की काफ़ी कोशिश की, मेरे मुँह में कपड़ा टूट रखा था। मारपीट भी किया आपके साथ? हाँ, मारा भी और बहुत ज़्यादा। फिर आप वहाँ से कैसे निकल के आएंगे? जाती से जब मेरे मम्मी पापा मुझे ढूंढने के लिए बाहर चले गए थे और मेरे चाचा ताई ताऊ सब अंदर आ गए थे, उसके बाद आई थी बड़ी कोशिश से जान छुटा कर। वो तीनों लोग वहीं थे, भाग गए थे? वो तीनों अपने घर चले। फिर क्या हुआ? पुलिस में गई? आई थी मेरे मम्मी पापा, फिर उसके बाद मैं भी आई थी मम्मी पापा के साथ कंप्लेंट। गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार अभी नहीं हुए, वो एक ही लड़का हुआ था। बाकी दो को क्यों छोड़ दिया? बाकी दो को उन्होंने कोई अभी कार्रवाई भी नहीं की है और उनको छोड़ रखा, बड़ी कर दिया। उनको भी सजा मिलनी चाहिए जब उन्होंने भी कराए थे। बलात्कार केवल उस लड़के ने किया या बाकी दोनों ने किया? बलात्कार उसने किया, लेकिन वो देखभाल के लिए बाहर खड़े थे दोनों लड़के। ये थाना अजीम नगर क्षेत्र में गांव है नगलिया, वहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना पुलिस को मिली है और इसमें पुलिस ने तत्काल ही एक जो नामजद मुलजिम है उसे गिरफ्तार किया है और पॉक्सो एक्ट में इसमें मुकदमा लिखकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बहुत ही सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार कर लेगा? हाँ, जो एक नामजद आरोपी है उसको कल ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पड़ोस का ही रहने वाला है।